वासवा साहब, क्या हाल चाल है? मेरा नाम संदीप है और दोस्तों आप कोई भी स्मार्टफोन चलाते हैं ना तो आप ये वीडियो अंत तक देखिए। वैसे इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने किसी भी स्मार्टफोन को कैसे अपडेट कर सकते हैं नए वर्जन में। वैसे आप जो स्मार्टफोन चलाते हैं ना उसमें आपने ज़्यादा अगर ओल्ड है, एक साल ओल्ड है या दो साल ओल्ड हो गया तो आपको अपडेट बिल्कुल भी नहीं मिलता होगा और ऐसा अक्सर होता है सभी के साथ। तो ऐसे में अगर आप अपने फ़ोन को अपडेट करना चाहते हैं नए वर्जन में तो जी हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसमें मैंने वही स्टेप के बारे में बताया है और ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक साल या दो साल से जिसे अपडेट नहीं मिला वही अपडेट कर पाएंगे, नहीं। अगर आपका तीन साल भी हो या एक साल भी है या आप अभी लेटेस्ट वर्जन पे नहीं हो तो आप बिल्कुल नए वर्जन पे आ पाओगे। वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, वीडियो को फैला दें सबके साथ व्हाट्सएप में, ग्रुप में, ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग जानें। और आप जो फ़ोन चलाते हैं उस बारे में हमें कमेंट में भी बताइए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम आपको कर ही देना है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और घंटी बटन को दबा देंगे तो और भी ऐसी खतरनाक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को शेयर कर दें व्हाट्सएप में, ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाए और वो भी इस ट्रिक का यूज़ करके अपने फ़ोन को अपडेट कर पाएंगे। उसे ये सोचना नहीं पड़ेगा कि फ़ोन ही लेना पड़ेगा नए वर्जन में अपडेट करने के लिए। वीडियो के नीचे कमेंट कर दें आप जो फ़ोन चलाते हैं और साथ ही साथ ये भी लिख दें बेस्ट एंड्रॉयड ट्रिक या फिर मोबाइल अपडेट ट्रिक। तो दोस्तों सबसे पहले ना हम अपने फ़ोन में रिकवरी को इंस्टॉल करेंगे। देखिए ये मस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। रिकवरी के ही कारण जो है हम रिकवरी के रास्ते पर चल के ही हम अपने फ़ोन को अपडेट कर पाते हैं। रास्ते पर चलना मतलब कि वो एक ब्रिज की तरह काम करता है रिकवरी। देखिए रिकवरी को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना है डेवलपर ऑप्शन में जाना है। डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के लिए, चालू करने के लिए अबाउट फोन में जाके बिल्ड नंबर पे 3-4 बार क्लिक करें, आपका डेवलपर ऑप्शन चालू हो जाएगा। ये देखिए डेवलपर ऑप्शन हमने चालू कर दिया और यहाँ पे इनेबल OEM अनलॉकिंग आपको ये चालू कर देना है और बूटलोडर यहाँ पे अनलॉक करना पड़ेगा आपको और ये हमने इनेबल कर दिया। USB डीबगिंग भी हमने चालू कर दिया डेवलपर ऑप्शन से ही। उसके बाद अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड में लेके जाएं तो पावर डाउन वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करना है एक साथ 5 सेकंड के लिए और आप जो फास्ट बूट मोड में आ चुके हो। तब यहां से चलेंगे आगे स्टेप की ओर। तो सबसे पहले हम जो एक केबल लगाएंगे अपने फ़ोन में और चलते हैं कंप्यूटर की ओर। अभी वैसे ध्यान रखिएगा आपका केबल टूटा वगैरह ना हो और आपके फ़ोन में जो भी फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट है उसे बैकअप कर लें सेफ्टी के लिए। ये देख सकते हैं हमारे फ़ोन में ये आ चुका नहीं, हमने डाउनलोड किया रिकवरी फाइल और अपडेट फाइल, ADB फ्लैश टूल, ADB की जरूरत पड़ती है कमांडिंग करने के लिए, प्लेटफॉर्म टूल इसे ही बोलते हैं, हमने इसे एक्सट्रैक्ट किया पहले। ये 3-4 MB का रहता है तो ADB टूल का भी डाउनलोड लिंक नीचे मिल जाएगा और रिकवरी आप अपने मॉडल के लिए डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद ये जो रिकवरी है उसे कॉपी करके या कट करके प्लेटफॉर्म टूल में आपको डाल देना है। ये देखिए हमने इसके अंदर डाल दिया और फिर इसके अंदर से आपको इसके अंदर भी डाल देना है प्लेटफॉर्म टूल जो है। हाँ, अब देखिए हम जो है प्रॉपर तरीके से प्लेटफॉर्म टूल के अंदर आ चुके हैं। तो यहां पर आपको एक कोड करके, कमांड करके आपको इसे फ्लैश करना पड़ेगा। वो कमांड कैसे है और प्रोसेस क्या है तो यहां पर देखिए शिफ्ट बटन को दाबना है, प्रेस करना है, उसके बाद ऑप्शन बटन को प्रेस करें और ये देख सकते हैं आपने यहां पर आपको कमांड पे क्लिक कर देना है और फिर यहां पे आपको पहला कमांड करना है कि आपका फोन कनेक्टेड है या नहीं। उसे चेक करने के लिए फास्ट बूट डिवाइसेस आपको सिलेक्ट करना है, कमांड करना है। हमने फास्ट बूट डिवाइसेस लिखा, एंटर किया और फास्ट बूट ID दिख गया, मतलब कि हमारा फोन कनेक्टेड है। अब यहां पर हम चलेंगे दूसरे स्टेप की ओर। दूसरा स्टेप जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे बस हमें इस बार कमांड करके हमें फ्लैश करना होता है। वो कमांड क्या है ये देखिए, हमने स्पेस नहीं दिया है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमने लिखना शुरू कर दिया फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस रिकवरी स्पेस रिकवरी का नाम। आपको ब्रैकेट नहीं देना है, बस आपको रिकवरी का नाम ही डालना है यहाँ पे। तो हमने ये रिकवरी का नाम हमने लिख, अभी हम कॉपी करेंगे रिकवरी का नाम। ये देखिए बैक करो, यहाँ से मिनिमाइज करें। देखिए रिकवरी का नाम लिखेंगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा लिखते वक्त, इसलिए रीनेम पे जाके नेम को कॉपी कर लेना है।
और इसे कर देने के बाद अब देखिए यहाँ पर हमें कंट्रोल प्लस भी को दबाना है, यहाँ से स्पेस आपको दे देना है ताकि आपको पेस्ट करेंगे तो उस टाइम कोई आपको दिक्कत ना हो। हमने यहाँ पे डाल दिया और देखिए स्पेस आपको देना है यहाँ पे, ध्यान रखें। और यहाँ पे .img ये भी लिखना पड़ेगा, हमने यहाँ पे इस बार लिख दिया और यहाँ पे .img लिख देना है, बस ये जोड़ देना है। उसके बाद आपको एंटर दबा देना है, उसके बाद आप देखो मैजिक क्या होता है। और दोस्तों ये हमारा रिकवरी अपने फोन में सक्सेसफुल हमने फ्लैश कर दिया बस 2-3 कमांड से ही। और फिर दोस्तों यहां से हम अपने फोन को रिकवरी में बूट करेंगे। रिकवरी में बूट करने के लिए आपको पावर बटन वॉल्यूम अप बटन को दबाना है, हम इसे दबाए रखेंगे और आगे प्रोसेस आपको दिखाते हैं। उसके बाद आप जो अपने फोन के रिकवरी में आप चलाएंगे, क्योंकि यहां पर 30 सेकंड लगभग लग ही जाता है प्रॉपर तरीके से रिकवरी में बूट होने में। इसके बाद आप अपने फोन को अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर पाएंगे और यूज कर पाएंगे। तो ये देख सकते हैं आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं फिर से यहां मुझे लगता है करना पड़ेगा। तो आप जो फोन चलाते हैं उस बारे में कमेंट में बताइए और काफी अच्छे से देखिए स्टेप को, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है और ये सभी फोन में सेम प्रोसेस होता है। ये देख सकते हैं हमने वॉल्यूम अप बटन को दबाए रखा है, 2 सेकंड के बाद पावर बटन को छोड़ के वॉल्यूम अप बटन को दबाए रखें। और दोस्तों अब जो है आपका रिकवरी मोड कंप्लीट रूप से आ चुका है। तो हमें सबसे पहला यहाँ पे प्रोसेस करना होता है बैकअप वाला। बैकअप देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बैकअप कर लेंगे तो इस बैकअप को आप अपने फ़ोन को अपडेट करने के बाद चाहोगे पुराने वाले सिस्टम में आना तो आप उसमें भी आ सकते हो, इसलिए आप चाहो बैकअप तो बैकअप कर सकते हो। हमने बैकअप को स्किप करके हमने नेक्स्ट स्टेप पे आ गया। सबसे पहला स्टेप वाइप करना है, वाइप डॉल्विक सिस्टम और डाटा और कैश, ये चार चीज़ को आपको टिक करना है। वेंडर को टिक मत कीजिएगा, वेंडर कभी कभी आप कर दोगे तो चलेगा, किसी में हमें करने की ज़रूरत पड़ती है लेकिन ऐसे आपको नॉर्मली कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है वेंडर को फ्लैश कर वाइप करने की। ये हमारा वाइप हो चुका है कम्प्लीट। वाइप करने से पहले ध्यान रखें कि आपने अपने फ़ोन का जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो सब बैकअप आपने कर लिया। ये सक्सेसफुल हमारा वाइप हो गया। अब चलेंगे सेकंड स्टेप की ओर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो इंस्टॉल। आप जो फ़ोन चलाते हैं वो अपडेट फाइल आपको डाउनलोड करना है उस मॉडल के लिए। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे इंटरनल और ये हमारा है अपडेट फाइल, मैंने यहीं पर रखा था। और दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे फोल्डर में आपने जहाँ भी रखा है वो आपको लोकेट करके उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसे हमने डाउनलोड करके इंटरनल में ही रखा था, ये देख सकते हैं अपडेट फाइल। और यहाँ पर अपडेट फाइल के साथ साथ आपको गैप्स भी डाउनलोड करना पड़ता है, इसे इसमें प्ले सर्विस का वगैरह इंक्लूड होता है ऐप वगैरह। हम इसे अपडेट फाइल को सिलेक्ट किया हमने, आप जो फ़ोन चलाते हैं उस बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देख सकते हैं हमने स्वाइप टू इंस्टॉल हमने कर दिया, इससे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देख सकते हैं ये इंस्टॉल ऑलमोस्ट हो चुका है, हमने वीडियो को फास्ट कर दिया ताकि आपको ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद ना हो। इंस्टॉल जिप सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ से अब चलेंगे अगले स्टेप की ओर, तो वो अगला हमारा स्टेप है गैप्स को इंस्टॉल करना। ये देखिए हम गैप्स को सिलेक्ट करेंगे और इंस्टॉल कर लेना है। गैप्स का जो डाउनलोड करने का मेथड है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। और ये देख सकते हैं इसमें भी इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फिर ये देख सकते हैं इंस्टॉल सक्सेसफुल हो चुका है। और ये इंस्टॉल सक्सेसफुल हो जाने के बाद यहाँ पे आपको रिबूट करना है, तो रिबूटिंग में थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि रिबूट जो है हमने नए सिस्टम को इंस्टॉल किया है, अपडेट किया है अपने फ़ोन को, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा ही। तो हम यहाँ पे सेटअप वगैरह करेंगे, जैसे हम अपने नए स्मार्टफोन में सेट करते हैं उस तरह से आपको यहाँ भी सेटअप करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर फास्ट में कर दिया सेटअप। और ये देख सकते हैं एंड्रॉयड का जो कंप्लीट अपडेट का जो हमें सिस्टम है उसने हमने पुराने वाले फ़ोन को हमने नए वर्जन में अपडेट कर लिया।
और ये देख सकते हैं ब्यूटी वगैरह काफ़ी अलग स्टाइल से वगैरह दिख रहा है, सेटिंग जो है नया अंदाज में दिख रहा था। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन को अपडेट कर सकते हैं नए वर्जन में और काफ़ी सारे नए नए सिस्टम का यूआई का मजा वगैरह ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना है। और आप चाहते हैं आपके फ़ोन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ अच्छे से, तो आप मैं वो भी कर दूँगा। आप अपने फ़ोन के बारे में हमें कमेंट में बताइए कि आप कौन सा फ़ोन चलाते हैं, और आपके लिए वैसे डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो को फैला देना है आपको सभी जगह।